गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में एक बार फिर से एएमयू क्लास आपका स्वागत करता है। कल हमने जो चित्र श्रृंखलाएं पे प्रश्न दिया था उसको आप सभी ने पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। और कल एक प्रश्न पे काफ़ी घमासान हुआ था, वो बाई मिस्टेक हो ही गया था, तो आप लोग सही थे। एम एफ हुसैन ने मदर टेरेसा नामक चित्र श्रृंखला बनाया था, ये बाल बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सही हैं और इसके लिए थैंक्स आप लोगों का कि आप लोगों ने कमेंट्स इसके लिए किया। तो चलिए, आज हमने जो लिया है टॉपिक वो है थंबनेल देख के आपको पता चलेगा होगा कि आज हमारे कला के क्षेत्र में जो भी कलाकार रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पे आज के 50 प्रश्न हैं इस मैराथन के। और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो भी कल की तरह आपको बेहद पसंद आए। तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर जुड़े हैं पहली मर्तबा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। टॉपिक है कलाकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, पहला प्रश्न उसमें हमारा जो है वो कह रहा है डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक में शामिल है। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें से कौन सी है, पहला प्रश्न है हमारा इस मैराथन के 50 प्रश्नों की श्रृंखला में। आज की टॉपिक ही है कलाकार और उनके द्वारा लिखी पुस्तक। पहला प्रश्न, कलाकार या कला समीक्षक भी कह लीजिए, वो लोग भी शामिल रहे हैं। जगदीश गुप्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या प्री हिस्टोरिक इंडिया है, इंडियन पेंटिंग है उसका नाम, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नाम है उसका, या प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नाम है। ठीक है, तो चलिए आगाज हो चुका है आज के रात के 8 बजे के वीडियो के पहले प्रश्न का। टॉपिक आपको पता ही हो गया और प्रश्न आपके सामने पहला हाजिर है, जिसका सही जवाब है भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 का कहना है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स लिखी गई है किसके द्वारा, पर्सी ब्राउन के, डी एच गार्डनर, राय कृष्णदास या आनंद कुमार स्वामी। तो साथियों कमेंट्स करना शुरू कर दिए फटाफट आप लोग, और वीडियो को लाइक करना भी शुरू कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटी का निशान। तो रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसने लिखी, ये हमारी दूसरी प्रश्न है इस वीडियो की, और इसका सही जवाब है डी एच गार्डन ने। किसने लिखा, डी एच गार्डन ने लिखा। चलिए रुख करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न का कहना है पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूज़ियम, पूरे बुक का नाम है पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूज़ियम, ये पूरी पुस्तक का नाम है। किस कलाकार की लिखी ये पुस्तक है, या कह लीजिए कला समीक्षक कह लीजिएगा, या कला इतिहासकार कह लीजिए, या लेखक भी कह सकते हैं, यही लोग शामिल हैं आज के इस वीडियो में, स्पेशली टॉपिक में हमारे। क्या एनसी मेहता के द्वारा लिखी गई है, स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा, कार्ल खंडालवाला के द्वारा, या एम एफ एस एजाजुद्दीन। तो चलिए साथियों, मैराथन की आज की श्रृंखला है हमारी किताबों पे कि किस कलाकार, किस कला समीक्षक, किस इतिहासकार ने अपनी अपनी पुस्तकें अलग अलग नाम से लिखी हैं, उसी का टॉपिक वीडियो चल रहा है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, जिसका सही जवाब है एफ एस एजाजुद्दीन के द्वारा लिखी गई पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख प्रोटेस्ट इन लाहौर म्यूजियम। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 का कहना है प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, प्री हिस्टोरिक इंडिया ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है,
स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा, लामा तारानाथ, राय कृष्णदास या अशित कुमार हल्दर। कल के वीडियो में आपका कमेंट्स था, कल के वीडियो में जो मदर टेरेसा जो चित्र श्रृंखला में मिस्टेक हुई थी वो बिल्कुल एम एफ हुसैन बिल्कुल सही थे आप लोग, तो उसको क्लियरेंस कर दिया गया। जो भी फॉल्ट होगा उसको क्लियरेंस किया जाएगा, इसमें हिचकिचाइएगा मत। और मुझे भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि अगर कोई फॉल्ट है तो उसको एक्सेप्ट करने में, ठीक है। तो हमारे चौथे प्रश्न का कहना है, प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है, आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के राइटर हैं नंदलाल बोस हैं, अशित कुमार हल्दर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए आज के 50 प्रश्नों की श्रृंखला में पांचवें प्रश्न पे हम आज के हैं। इस मैराथन के वीडियो में और पांचवें प्रश्न का सही जवाब है अशित कुमार हल्दर के द्वारा लिखा गया है, आवर हेरिटेज इन आर्ट। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। कहना है प्रश्न का, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। पुस्तक का नाम है हिमालयन आर्ट, राइटर कौन है? एनसी मेहता साहब, ओसी गांगुली जी, जेसी फ्रेंच, डब्ल्यूजी आर्चर। तो चलिए साथियों ड्रॉप करते जाइए फटाफट अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर। आज के इस रात के 8 बजे के वीडियो में, जो कि नए सब्सक्राइबरों के लिए इन्फॉर्मेशन हमेशा ये रहती है कि डेली रात 8 बजे ये वीडियो आपको दिए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 और उसका सही जवाब हमारा होगा जेसी फ्रेंच के द्वारा लिखी गई हिमालयन आर्ट। 7वें प्रश्न की तरफ रुख किए हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 का कहना है, डब्ल्यू जी आर्चर द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है? कांगड़ा पेंटिंग, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, शिल्पकला, या फिर देखिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, शिल्पकला कह लीजिए या शिल्प रत्न ऑप्शन डाल लीजिए, ठीक है, शिल्पकला या शिल्प रत्न, ये हो गया आपका ऑप्शन। डब्ल्यू जी आर्चर द्वारा लिखी गई इनमें से पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है कांगड़ा पेंटिंग। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न का कहना है साथियों, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं इसके राइटर क्या बी एन गोस्वामी हैं, कार्ल खंडालवाला, एम एस रांधवा या इनमें से कोई नहीं? तो महामाराथन के आज के इस श्रृंखला में राइटरों द्वारा लिखी गई कला के क्षेत्र में पुस्तकों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसके 8वें प्रश्न पे आप हैं और मिनिएचर पेंटिंग है किसके द्वारा लिखी गई, ये हमारा सवाल है, जिसका सही जवाब होगा कार्ल खंडालवाला, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है, डब्ल्यू जी आर्चर ने पहाड़ी शैली पर पुस्तकें लिखी, मतलब कितनी? यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पहाड़ी शैली की बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ पहाड़ी शैली पे कितनी पुस्तकें लिखी हैं आर्चर जी ने,
एक, तीन, चार या दो? तो चलिए, टॉप 50 आज की मैराथन सीरीज है, जिसके 9 नंबर प्रश्न पे आप इस समय मौजूद हैं और WG आर्चर ने पहाड़ी शैली पे जी पुस्तकें लिखी, उनकी संख्या थी 2। दस नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न का कहना है साथियों, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद किसकी लिखी एक पुस्तक है? ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, MS रांधवा की, जेसी फ्रेंच की, स्टेला क्रेमरिश या KHRA? पूरे पुस्तक का ही नाम है कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद, लिखी गई किसके द्वारा? 10 नंबर प्रश्न है और आज की वीडियो भी उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी, तो लाइक जरूर देंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स तो आपके आते ही हैं प्यारे प्यारे, इसके लिए तो आपका हमेशा धन्यवाद है। लाइक भी आते हैं लेकिन शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद किसकी लिखित एक पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा MS रांधवा ने। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। ग्यारहवें प्रश्न का कहना है, पर्सी ब्राउन द्वारा लिखित पुस्तक है, पर्सी ब्राउन ने कौन सी पुस्तक लिखी है इसमें से? बशहोली पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक इंडिया, इंडियन पेंटिंग या राजपूत पेंटिंग? ठीक है, तो TGT PGT महामैराथन के आज के इस चित्र श्रृंखला में हमारी टॉपिक है कलाकार इतिहासकार के द्वारा लिखी गई कला के क्षेत्र में पुस्तकें, उसके 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला है, जिसमें 11वें प्रश्न का कहना है कि पर्सी ब्राउन द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है, और इसका सही जवाब है इंडियन पेंटिंग। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्रश्न, निम्न में से डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में लिखित ग्रंथ है। कला इतिहासकार कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम क्या राजपूत पेंटिंग है, हमीर हट, कांगड़ा वैली पेंटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रश्नों को ड्रॉप कर रहे होंगे बहुत तेज़ी के साथ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की आपकी जो स्पेशल श्रृंखला है इसमें क्या है आपका बेस्ट, कल भी आपका बहुत बेस्ट था और जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस चल रही है मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप लोग कंपटीशन में काफ़ी जो है बेहतरीन करने वाले हैं, और हमेशा मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद मेरी टीम का आपके साथ रहेगा कि आप अपने कामयाबी को हासिल करें, चाहे वो किसी भी राज्य में हो कला से। तो 12वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में लिखित ग्रंथ जो थी उनका वो था राजपूत पेंटिंग। 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 13वें प्रश्न का कहना है कि रसमंजरी किसकी लिखी एक पुस्तक है, रसमंजरी किसने लिखा? बिलहड़ के द्वारा लिखी गई है ये, भानुदत्त के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा या अभिनव गुप्त के द्वारा? ये जितने भी आपको क्वेश्चन मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये सभी आपके सिलेबस के बुक के कंपटीशन से संबंधित हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर सिलेबस से बाहर भी हो जाता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के ज़माने के कला के जो हमारे कंपटीशन चल रहे हैं
उस कंपटीशन में साथियों बाहर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी बता दे रहे हैं आपसे। एग्जामिनर कला से संबंधित कुछ भी आपसे पूछ देगा, चाहे वो आपके सिलेबस में हो ना हो, वो कंपटीशन के मार्फत पूछ देगा, और आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन अगर दो क्वेश्चन उसने बाहर से पूछा है तो आप उस पर कोई वो नहीं कर सकते मत, ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस को छूते हुए दो चार क्वेश्चन बाहर ही पूछ सकता है। इस ज़माने की कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे 13वें प्रश्न का जो सही जवाब है उसका सही जवाब होगा भानुदत्त, रसमंजरी के लेखक हैं। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसलिए आप अपनी तैयारी को उस स्तर तक रखिएगा जिस स्तर में आपके बाहरी कड़ियाँ अगर 10 क्वेश्चन की आपके पास जुड़ी हुई हैं तो उसको नॉलेज लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये मान के चलिएगा कि मैं इसे एक्स्ट्रा के रूप में रख रहा हूँ, अपने नॉलेज में काम आ जाएगा, नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। तो किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मेवाड़ पेंटिंग, यानी मेवाड़ पेंटिंग एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी? राय कृष्णकांत दास के द्वारा लिखी गई है, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई है, महाराणा जगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, या डॉक्टर राय आनंद कृष्ण के द्वारा लिखी गई? ध्यान से देखिएगा, राय आनंद कृष्ण कोई और हैं, राय आनंद कृष्ण जो है वो स्वर्गीय राय कृष्णदास के बेटे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण इसमें मेंशन करिएगा। तो किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मेवाड़ पेंटिंग, 14 नंबर प्रश्न। सही जवाब डॉक्टर राय आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास के बेटे हैं, डॉक्टर राय आनंद कृष्ण के द्वारा लिखी गई है मेवाड़ पेंटिंग। अब हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है ऑन स्क्रीन। 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है संगीत जगत किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है संगीत जगत। ये ग्रंथ जिसको रचना किया उस शख्सियत का नाम क्या, जगत सिंह प्रथम है, अमर सिंह के द्वारा लिखी गई, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई, या हमीर सिंह के द्वारा लिखी गई? तो चलिए आज के स्पेशल मैराथन में आपकी टॉपिक है बुक और उनके कलाकारों के द्वारा लिखी गई, इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई स्पेशल सीरीज की आज की हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके 15वें प्रश्न पे आप मौजूद हैं। और हमारा प्रश्न कह रहा है संगीत जगत किसके द्वारा रचित ग्रंथ है इन ऑप्शन में से, तो हमारा सही जवाब है महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है ये। अब हम 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है आपसे चौर पंचासिका किस लेखक ने लिखी है। चौर पंचासिका, इसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये तो आपका रटा रटाया ज्ञान है कि चौर पंचासिका किसने लिखी है। क्या भानुदत्त के द्वारा लिखी गई है चौर पंचासिका, बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, राय कृष्ण दास के द्वारा, या जॉर्ज किट के द्वारा? तो चलिए साथियों महामैराथन के स्पेशल सीरीज में आपका आगाज करते हैं एक बार फिर से, और 16वें प्रश्न पे हैं हम। काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला ली है, ये कह लीजिए कि बहुत सारी अभी बुकें हैं जो इसमें हमने लिया ही नहीं है, वो भी आपको किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर मैं डाल के एक पूरे सीरीज में दे दूँगा और कम्प्लीट करूँगा, मेरा वादा है आपसे। आप हर एंगल से अपने प्रश्नों को तैयार रखेंगे, एम यू क्लास की वादा है। तो चलिए चौर पंचासिका के लेखक जो हैं वो कौन है, बिल्हड़ है, ठीक है। 17वें प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिए और क्या कह रहा है आपका 17 नंबर प्रश्न। मारवाड़ का इतिहास निम्न में से किसकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है मारवाड़ का इतिहास। इस पुस्तक को लिखा किसने, रचा किसने, राइटर कौन है, या कह लीजिए कर्ता धर्ता कौन है, कर्नल टार्ड हैं, स्टुअर्ट पिगार्ट हैं, स्टेला क्रेमेरिस, या डॉक्टर प्रिय बाला शाह? किसने लिखा है मारवाड़ का इतिहास नामक पुस्तक? ये जितने नाम हैं ये कह लीजिए ये कला समीक्षक या कला इतिहासकारों के नाम हैं। 17वें प्रश्न का यही कहना है और सही जवाब हमारा है कर्नल टार्ड। बिल्कुल ईमानदारी से और दिल से, होता है ना, दिल से और ईमानदारी से
अपने प्रश्नों की सीरीज को देखिएगा और कंप्लीट करके बताइएगा और पूरा वीडियो वाच करके ही देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो जिसने छोड़ा तो फिर वो हमें ना कहेगा कि हमारी गलती है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है हमारे सामने। प्रश्न का कहना है, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक का नाम है। हु इज द राइटर किशनगढ़ पेंटिंग? क्या आनंद कुमार स्वामी हैं, सामंत सिंह, एरिक डिकेंसन, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की सीरीज में हम हैं 18वें प्रश्न पे। कल आपने ज्योतिष श्रृंखला आपने पढ़ी थी, उसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत नवाजा कमेंट से, अच्छे अच्छे लाइक और शेयर से, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और कल एक मिस्टेक जो हुआ था वो मैंने आपको बता भी दिया, एक बार और बोल दे रहा हूँ, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला MF हुसैन की ही है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, आप लोग सही थे। तो 18वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका एरिक डिकेंसन के द्वारा लिखी किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 का जिक्र करने वाले हैं हम लोग। कहना है प्रश्न संख्या 19 का, बिहारी लाल निम्न में से किस पुस्तक के लेखक जाने जाते हैं? बिहारी लाल जो है इसमें से एक पुस्तक के राइटर हैं। क्या उस पुस्तक का नाम रसिक प्रिय है, चौर पंचासिका है, प्रज्ञा परमिता, या बिहारी सतशय? तो चलिए कमेंट्स को फटाफट डालते चलिए अपने आज के बेस्ट श्रृंखला में, बेस्ट अपना देने के लिए। तो बिहारी लाल ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है बिहारी सतशय, ठीक है? अपने नाम से ही उन्होंने टाइटल इसका दिया है। बीस नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, गीत गोविंद के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, नागार्जुन हैं, लामा तारानाथ, या इनमें से कोई भी नहीं? साथियों, प्रश्न संख्या 20 पे हैं, 50 प्रश्न, 20 कंप्लीट, बाकी टेस्ट में जो बचते हैं 30, कितने होते हैं आपके सही ये आज हम लोग देखेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम भी थोड़ी देर पे आपको प्रश्न का उत्तर बताते जा रहे हैं और आप भी अपना कमेंट्स के द्वारा टेस्ट ईमानदारी से करते हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है आप पे। तो 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है? 21वें प्रश्न पे चलिए, प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, निम्न में से किस लेखक को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन इसमें से एक लेखक को कहा गया है। क्या उनका नाम अश्वघोष है, उनका नाम नागार्जुन है, भरत मुनि, या यशोधर पंडित? बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कला के क्षेत्र में। क्या कहा मैंने पहले ही आपसे कि ये मत देखिए कि कुछ प्रश्न बाहर से हैं या हमारे सिलेबस से हैं, ये देखिए कि सिलेबस के साथ साथ कितने एक्स्ट्रा हम प्रश्न अपना पढ़ रहे हैं। होता है ना, आप लोग क्या कहते हैं, कभी कभी आपने एग्जाम्पल के तौर पर सुना होगा कि हम जब कंपटीशन में जाएंगे तो एक पेन के बजाय दो पेन लेके जाएंगे, पता नहीं कब वो पेन धोखा दे दे तो फिर हमको वो बाहर निकलने नहीं देगा। तो आपने क्या किया, एक की ज़रूरत थी लेकिन दो ले गए, अपने बैकबोन के लिए एक लेके गए सपोर्ट। ठीक वही चीज़ यहाँ भी है, सिलेबस के तहत अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं तो वो आपका बैकबोन सपोर्ट है, हो सकता है कभी आ जाए एक भी क्वेश्चन, तो कम से कम वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मिस तो नहीं होगा आपका और उतने से आपकी मेरिट तो नहीं गड़बड़ाएगी, ठीक है? तो साथियों, भारत का आइंस्टीन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, एक मशहूर जो है विद्वान कह लीजिए, एक तरह से थे वैज्ञानिक आइंस्टीन। और भारत का जो है जिस लेखक को आइंस्टीन कहा जाता है वो थे नागार्जुन, ठीक है? 22वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न का कहना है कल्पसूत्र निम्न में से किसकी रचना है? कल्पसूत्र रचना है भद्रबाहु की, नागार्जुन की, आनंद कुमार स्वामी की, या सतीश गुजराल की?
कल्पसूत्र किसकी रचना है? ठीक है, यह है आपका 22 नंबर प्रश्न, आप ड्रॉप करते चलिए मेरे उत्तर से पहले। कल्पसूत्र 22वें प्रश्न का कहना है, रचना है भद्रभाव की। ठीक है, 23वें प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा साथियों। प्रश्न का कहना है, जिंदास गढ़ी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम है जिंदास गढ़ी, उन्होंने जो है एक रचना की है इसमें से बुक की, क्या उसका नाम सघनमाला है, क्या उसका नाम पंचशिखा है, निशित चुरड़ी उसका नाम है या करण देव गुहा? इसमें से एक ग्रंथ है जो जिंदास गढ़ी के द्वारा रचना की गई है, उस ग्रंथ की कौन है वो ग्रंथ? 23वें प्रश्न का कहना है और साथियों उसका सही जवाब है निशित चुरड़ी ग्रंथ को जिंदास गढ़ी द्वारा लिखा गया, नाम है उनका जिंदास गढ़ी। 24 नंबर प्रश्न का कहना है, त्रिष्टिक सलाका पुरुष चरित्र, ये पूरा जो नाम है ये पुस्तक का नाम है, अभी बता दे रहे हैं यहाँ तक, त्रिष्टिक सलाका पुरुष चरित्र के रचयिता हैं हेमचंद्राचार्य, मुल्ला दाऊद, सुशांत गुहा या सुब्बा घोष। तो चलिए साथियों, आज की हमारी टॉपिक है किताबों के लेखक जिन्होंने कला के क्षेत्र में और या तो खुद कलाकार रहे हो और बुक लिखी हो, या फिर कला इतिहासकार और कला समीक्षक या लेखक रहे हो कला के क्षेत्र में उन्होंने लिखी हो, वही टॉपिक हमारा चल रहा है जिसके 24वें प्रश्न पे हैं हम। और प्रश्न का कहना है त्रिष्टि सलाका पुरुष रचित, लिखा है हेमचंद्राचार्य ने। वीडियो का 25वां प्रश्न, हाफ मिस मैराथन का हाफ पूरा कर चुके हैं हम लोग 50 में से। प्रश्न कह रहा है कंट्रक्शन जे के रचनाकार हैं, कंट्रक्शन जे के रचनाकार हैं जगदीश डे, सोमनाथ होर, सनतकार या अमिताभ बनर्जी। तो चलिए TGT के महामैराथन 2022 के आज के श्रृंखला में कुछ दिन पहले जो है पेपर में या फिर व्हाट्सएप पे मेरे कह या फेसबुक ग्रुप पे कह लीजिए काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था TGT कला का एग्ज़ाम को लेकर। तो वो जो एग्ज़ाम का डेट आपको बता रहा है बार बार अगले महीने में अगस्त में, वो बिल्कुल फेक है, उस न्यूज़ को एकदम फर्जी मानिएगा, वो फर्जी न्यूज़ है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर किसी ने देखा होगा तो, क्योंकि अभी आयोग ने कोई डेट निकाला नहीं है कि मैं कब एग्ज़ाम कराऊँगा, इसलिए उसको वो फर्जी न्यूज़ है। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही जवाब है अमिताभ बनर्जी की रचना है कंट्रक्शन जे। 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है पीजेंट्स मीटिंग, इसके रचनाकार हैं क्या आनंद बनर्जी साहब, सोमनाथ होर जी, बुला भट्टाचार्य या सुखविंदर सिंह? क्या है नाम पुस्तक का? पीजेंट्स मीटिंग के रचनाकार के रूप में हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं सोमनाथ होर को। 27वें प्रश्न की तरफ रुख करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला हमने ली है, यूं कह लीजिए कि कोशिश की है आपको अच्छा देने की, हर संभव आपकी कोशिश हमारी रही है कि आपको अच्छे टॉपिक दूं। उसी सिलसिले में आज की जो टॉपिक है हमारी दी जा रही है, देखते हैं कितना आपको पसंद आता है।
चंदायन अथवा लौर चंदा, यानी कि बुक एक ही है, अलग अलग नाम है, या चंदायन कहिए या लौर चंदा कहिए, एक ही नाम है दोनों का, इसलिए अथवा शब्द लिखा है। ठीक है, यानी इसलिए दोनों को ले लिया है कि कहीं भी इसमें से कोई एक आ जाए तो एक ही उनके लेखक हैं। कौन है वो? आचार्य रत्नागिरी, राय कृष्णदास, मुल्ला दाऊद, या इनमें से कोई नहीं। चंदायन अथवा लौर चंदा दोनों एक ही नाम है पुस्तक का, अलग अलग सिर्फ नाम दिख रहा है लेकिन राइटर वही है, दो नाम है बस पुस्तक का। किस कलाकार के द्वारा की गई रचना है, ग्रंथ है, लिखी गई है ये? तो उस कलाकार का नाम है साथियों मुल्ला दाऊद। सब आपके बुक में ही, ये बता दे रहा हूँ, सब आपके बुक से ही ये सब लिया गया है, कहीं और से नहीं। 28 नंबर प्रश्न का कहना है, मुगल ग्रंथ शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा मुगलों के द्वारा, यानी मुगलों के दौर की एक रचना है शाहनामा, उसको रचा किसने, लिखा किसने, कौन है उसके लेखक? फिरदौसी, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? तो चलिए 28 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं 50 प्रश्नों की मैराथन में। आज की हमारी टॉपिक लेखक, कला के क्षेत्र में, कला इतिहासकार के क्षेत्र में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के कुछ अंश आज के इस वीडियो में। मुगल ग्रंथ शाहनामा के रचनाकार के रूप में हम जानते हैं फिरदौसी को। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न का कहना है, गढ़वाल चित्रकला पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं, गढ़वाल शैली में गढ़वाल चित्रकला पुस्तक का नाम ही है, उसके राइटर हैं कौन? श्यामदास, चैतू, हरिदास या फिर मुकंदी लाल? गढ़वाल चित्र शैली, आपको याद होगा कि मैंने आपको उसमें एक चित्र पढ़ाया था, बादशाह अकबर कुएं पर, गांव के कुएं पर बादशाह अकबर, अकबर बादशाह गांव के कुएं पर, जिसको मोला राम ने बनाया था, मोला राम ने, और मोला राम गलवाड़ शैली के ही कलाकार थे जिनको 1770 में उन्होंने बनाया था उस चित्र को, आपको याद होगा। मैंने ये वीडियो में, कल नहीं परसों वाले शायद वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, तो वो गढ़वाल शैली के ही थे मोला राम। तो गढ़वाल चित्रकला पुस्तक का नाम है यहाँ पे कह रहा है, और इसके राइटर हैं मुकुंदी लाल। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 नंबर प्रश्न का कहना है, गढ़ राजवंश का इतिहास, गढ़ राजवंश का इतिहास लिखा है किस कलाकार ने? पुस्तक का नाम है गढ़ राजवंश का इतिहास। कौन है इसके राइटर? नैनसुख हैं, सजनू हैं, मोलाराम हैं या श्यामदास हैं? गढ़ राजवंश का इतिहास। तो चलिए अपनी स्पीड को बढ़ाइए और स्पीड में अपने उत्तर को ईमानदारी पूर्वक पुटअप करिए, अपने जवाब को आज की श्रृंखला का, 50 मैराथन की सीरीज में। गढ़ राजवंश का इतिहास जिस कलाकार ने लिखी, या फिर जिस कला इतिहासकार के लिए, यानी कलाकार, यहाँ पर तो कलाकार ही हैं जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है मोला राम। ठीक है, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न कह रहा है, द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं, द आर्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान और भारत की कला, पुस्तक का नाम है, हिंदी में उसको कह लीजिए हिंदुस्तान और भारत की कला। तो इस पुस्तक को लिखा किसने साथियों? जॉर्ज किट ने लिखा है, ब्रेसिल ग्रे ने लिखा है, स्टेला क्रेमिश के द्वारा लिखी गया है, या किसी कलाकार के द्वारा इसमें से लिखा नहीं गया? प्रश्न संख्या 31 यही कह रहा है, और प्रश्न का सही जवाब है
ब्रेसिल ग्रे के द्वारा लिखा गया है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक। 32वें प्रश्न की तरफ रुख करने वाले हैं हम। आपके स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 32। प्रश्नों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ के अब कंप्लीट होने की कागार पे है। जल्द ही 32वें प्रश्न का कहना है, लंदन से प्रकाशित बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग के लेखक हैं। लंदन से प्रकाशित की गई थी इस बृहद ग्रंथ को, उसको लिखा किसने था? पीसी मानक ने लिखा था, एमएस रांधवा ने लिखा था, डब्ल्यूजी आर्चर ने लिखा था या कालीचरण घोष ने लिखा था? किसने इसमें से बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग नामक लिखी थी जिसको लंदन से प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो चलिए फटाफट मैराथन के आज के श्रृंखला को कंप्लीट करिए सब। हमारे 50 प्रश्नों की कि कितना आप आज 50 में कितना सही जाएंगे, आज किसका स्कोर बेस्ट चलेगा आज देखा जाएगा। तो 32वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। 33 प्रश्न का कहना है, पार्वती स्वयंवरम किस महिला कलाकार की लिखी पुस्तक है? पार्वती स्वयंवरम पुस्तक की नाम है, एक महिला है जिन्होंने उसको लिखी है इस पुस्तक को, कौन है वो महिला कलाकार? उमा अंबाबाई थपुरट्टी, अर्पणा कौर, जया अप्पा स्वामी या अंजलि इला मेनन? पार्वती स्वयंवरम, ठीक है, मीन्स पार्वती का स्वयंवर, पार्वती स्वयंवरम मतलब पार्वती का स्वयंवर नामक पुस्तक को लिखा इसमें से जिस कलाकार ने, उनका नाम है उमा अंबाबाई थपुरट्टी। आपको कमेंट्स करना है ये किस महान कलाकार की, एक महान कलाकार आधुनिक युग के थे, उनकी ये क्या लगती हैं, उमा अंबाबाई थपुरट्टी उस महान कलाकार की क्या लगती है? उस कलाकार का नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, राजा रवि वर्मा की ये क्या लगती हैं, उमा अंबाबाई थपुरट्टी, ठीक है, राजा रवि वर्मा की ये क्या लगती हैं, माँ लगती हैं, बहन लगती हैं या पत्नी लगती हैं, क्या लगती हैं, कमेंट्स करिएगा। 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, बंगाल शैली के किस कलाकार ने शकुंतला नामक ग्रंथ की रचना की? शकुंतला नामक ग्रंथ की एक बंगाल शैली के कलाकार ने रचना की, क्या उनका नाम नंदलाल बोस था, अशित कुमार हल्दर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर? ये चारों शख्सियत बंगाल शैली की है और इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए और दुनिया को दिखा गए बंगाल शैली के इतिहास को, और आज भी बंगाल शैली में कला अभी भी है लेकिन वो नहीं छाया है जो इनके दौर में था। बंगाल शैली के जिस कलाकार ने शकुंतला नामक ग्रंथ की रचना की थी उनका नाम था अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। 35वें प्रश्न को चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न का कहना है, निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तक, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तक, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पुस्तक उनकी पढ़ी क्या, शकुंतला, अभी उन्हीं का था, एक और पुस्तक इसमें से है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, क्या उसका नाम भारत सिल्क परिचय है, बंगालर वृत्त, सडंग या यह सभी? ठीक है साथियों, तो चलिए महामैराथन के स्पेशल श्रृंखला में आपके कमेंट्स आ रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है, और आपके लाइक भी ज़रूर आ रहे होंगे जब आप जुड़ रहे होंगे तो, और आपके शेयर भी ज़रूर जा रहे होंगे हमारे टीम मेंबर को और जोड़ने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो हो जाएगा यह सभी, भारत सिल्क परिचय, बंगालावृत और सडांग, और इसके अलावा अभी शकुंतला आपने पढ़ा, ये सभी जो है
अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, जहन में बैठा के रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न के हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, चित्रांगदा नामक पुस्तक के लेखक हैं, चित्रांगदा नामक पुस्तक के राइटर क्या शैलेंद्रनाथ डे हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविंद्रनाथ टैगोर या गगनेंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखी चित्रांगदा नामक पुस्तक, ये कमेंट्स करिए, और एक कमेंट्स और प्यारा सा इसमें करिएगा, जानकारी के लिए ये सब चीज़ें बीच में पूछता हूँ, उससे भी आप एक सक्रिय रहेंगे, ये फ़ायदा होता है पूछने का, ठीक है। कि चित्रांगदा पुस्तक के जो चित्रों की रचना की गई थी, कितने चित्रों की रचना किसके द्वारा इस पुस्तक की गई थी, ठीक है। पहले तो इसका आंसर जान लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी ये पुस्तक है चित्रांगदा। चित्रांगदा जो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, उसमें एक कलाकार ने चित्र बनाए थे उनकी पुस्तक के लिए, वो भी बंगाल शैली से थे। कलाकार कौन थे और कितने चित्र बनाए थे, कमेंट्स करिएगा जरूर। 37 नंबर प्रश्न पे, कहना है प्रश्न का, निम्न में से अशित कुमार हल्दर द्वारा लिखी पुस्तक है, अशित कुमार हल्दर द्वारा लिखी पुस्तक आर्ट एंड ट्रेडिशन है, अवन ठाकुर, भारतीय शिल्प सडांग या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, अशित कुमार हल्दर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम यहाँ पूछ रहा है, इसमें से कौन सी पुस्तक है अशित कुमार हल्दर की लिखी हुई। तो अशित कुमार हल्दर बंगाल शैली के कलाकार, और उनके द्वारा लिखी पुस्तक है आर्ट एंड ट्रेडिशन। 38 नंबर प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं हम लोग, प्रश्न का कहना है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा लिखित पुस्तक है, नंदलाल बोस ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी है या रचना की है, या ग्रंथ कह लीजिए, लेखक हैं, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा, रूपावली, और सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं नहीं होगा, यहाँ रखिए यह सभी, ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारी, ध्यान नहीं आया है, ठीक है। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, तो इसी तरह से कोई आंसर गलत हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक गलत हो जाती है, तो उसको थोड़ी सी गलतियाँ कह लेंगे, तो हमारे सब्सक्राइबर इतने एक्टिव हैं कि जब भी कोई फॉल्ट होता है कमेंट्स में हाहाकार मचा देते हैं, और यही मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो नंदलाल बोस द्वारा लिखी ये सभी पुस्तकें हैं साथियों, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा और रूपावली, ये तीनों पुस्तक नंदलाल बोस ने लिखी थी, इसलिए यह सभी होगा, ये ऑप्शन जो हमने टाइपिंग किया था मिस्टेक हो गया था, ये इसमें से कोई नहीं होगा, यह सभी होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक राज कहानी है, सहज पाठ, जोड़ा साकोर धारे या यह सभी। तो चलिए, आपकी मैराथन श्रृंखला में बहुत जल्द आपका 40वां प्रश्न कंप्लीट होने जा रहा है, और इसके बाद फाइनल सबमिट के लिए आपके पास 10 प्रश्न बचेंगे इस मैराथन के 50 प्रश्नों की श्रृंखला में। तो फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी पूर्वक देखिए और फुल वॉच करिएगा वीडियो को। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है सहज पाठ, यही है उसके रचनाकार। और अब हम 40वें प्रश्न का जिक्र करने वाले हैं, आ गए हम लोग 40 प्रश्न पे, आपके पास शेष बचे 10 प्रश्न, तो चलिए लग जाइए फटाफट, जब भी जुड़िए पूरी वीडियो को ईमानदारी से देखिए, और ईमानदारी से पे उस पर कमेंट्स करके टेस्ट करिए अपने आप को, कापी कलम लेके कि कितना क्वेश्चन सही करते हैं। प्रश्न कह रहा है,
द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनामाटी किसकी लिखित पुस्तक है? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ठीक है, ये लिखा है प्रसिद्ध पुस्तक किसने, बड़ी 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 नाम है पुस्तक की, क्या शारदा चरण उकील ने लिखा है, मुकुल चंद्र डे ने लिखा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है या फिर अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। तो रुख करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41 के तरफ, 41। अब हम लोग जो श्रृंखला में आए हैं अब इसी 10 प्रश्न में हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे फाइनल सबमिट, लेकिन हमें अपने साथियों का साथ जिस तरह से मिला है इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है साथियों, कि आपने हमारा साथ दिया और हमें उस विश्वास के लायक समझा और आप हमसे जुड़े रहे। 41 प्रश्न का कहना है छायानिका, छायानिका के रचनाकार कौन है, यानी किस कलाकार की रचना है छायानिका? रविंद्रनाथ टैगोर की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, गगनेंद्रनाथ टैगोर की या नंदलाल बोस की? ठीक है, तो 41वें प्रश्न पे महामैराथन के आज की श्रृंखला में टॉपिक है कला इतिहासकार, कला समीक्षक, कलाकार के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कला के क्षेत्र में, जिसके 41वें प्रश्न पे हम लोग हैं और सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है छायानिका। पुस्तक जो लिखी जाती है उसमें मान लीजिए कला और चित्र भी सजाए जाते हैं ना, तो वो सब कौन करता है, चित्रकार ही करता है। ठीक है, 42वें प्रश्न का कहना है अब्दुल रहमान जुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया था? आधुनिक कलाकार अब्दुल रहमान जुगताई ने कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया था अपनी? 5, 2, 4 या 3? तो चलिए ड्रॉप करते जाइए अपने कमेंट्स को फटाफट, पूरे तेजी के साथ, लेकिन तेजी का मतलब ये नहीं कि घबराहट में, तेजी का मतलब रिलैक्स होकर प्रश्न को पढ़िए और उसको जवाब दीजिए फटाक से मेरे उत्तर से पहले, ठीक है, तभी आप अपने टेस्ट को बेस्ट देख पाएंगे कि टेस्ट का क्या है आपका बेस्ट। तो अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने पुस्तकें जो प्रकाशित की वो थी 3, कौन कौन आगे इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 43 कहना है प्रश्न का इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ है मतलब उसके लेखक हैं, उसके रचनाकार कौन है, राइटर कौन है? पर्सी ब्राउन है, ई वी हेवेल साहब, आनंद कुमार स्वामी जी या प्रेमचंद्र गोस्वामी जी? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इसमें से किस कलाकार की रचना है, ग्रंथ है, लेखक हैं जिन्होंने उस पुस्तक को लिखी, और उस कलाकार का नाम है साथियों ई बी हैबल। कला इतिहासकार थे ये भी और कलाकार भी थे, अपने आप में कला इतिहासकार थे ये, काफ़ी हिट थे कला इतिहासकार में, आपको अच्छे से पता होगा। 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 देखिएगा। 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है, पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो सन 2008 में प्रकाशित हुई। तो 2008 बीत गया जो, ठीक है, और 2008 का मतलब ये हुआ कि अवनींद्रनाथ बंगाल शैली का वो दौर ख़त्म हो चुका था। अब इस नाम में आपको आराम से आप चाहेंगे तो गेस कर लेंगे कि जब 2008 में वो प्रकाशित हुई थी मतलब वो शख्स अभी भी मौजूद है। डिटेल में तो नहीं उसको देखा मैंने पढ़ा है, लेकिन मौजूद मैं कह रहा हूँ कि वो शख्स मौजूद है अभी भी। क्या वो पर्सी ब्राउन है, आनंद कुमार स्वामी है, आर शिव कुमार है या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं? तो विकल्प से ही आपका गेस कंप्लीट हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर का।
गेस कर चुके होंगे पूरी उम्मीद है कि इसका सही जवाब है आर शिव कुमार ने लिखा वो पुस्तक पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसे प्रकाशित किया गया था 2008 में। तो प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, अब्दुल रहमान जुगताई की कौन सी पुस्तक मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण है। यानी अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने 3 पुस्तकें लिखी। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि 3 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की, तो उन 3 पुस्तकों में एक ऐसी पुस्तक है जो मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं, यानी मिर्जा गालिब जो है बहुत ही महान शायर थे और मझे हुए शायर थे, और उनके शायरी आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा, इस ज़माने में तो पढ़ा ही होगा कि बेहतरीन शायरी थी उनकी, एक से एक बेहतरीन शायरी उन्होंने शायरी लिखी है मिर्जा गालिब ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्जा गालिब जो है दारू पिया करते थे, पीने वाले थे, लेकिन जब वो पीते थे तो हमेशा जो है एक शायरी बोलने के बाद अपने रुमाल का एक गांठ बांध लिया करते थे, उनकी काबिलियत थी। और जब वो जाते थे होश में खोलते थे तो जिस गांठ को खोलते थे वही शायरी वहाँ पर लिख लिया करते थे, यानी उनका दिमाग कितना डेवलप था। तो मिर्जा गालिब की उर्दू कविताओं का सचित्र संकलन किया अब्दुल रहमान चुगताई साहब ने इसमें से एक बुक में। क्या उसका नाम मुरक्काए चुगताई है, नक्का से चुगताई, या चुगताई की पेंटिंग, ये तीनों, यही मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको बताऊँगा कि वो पेंटिंग कौन सी है। तो जो बुक पेंटिंग कह रहे हैं सॉरी, ये तीनों बुक यही हैं अब्दुल रहमान चुगताई की, ये तीनों बुक जिनके उनके नाम में ही टाइटल में। लेकिन इसमें से वो कौन सी बुक है जिसका चित्रण संकलन बनाया मिर्जा गालिब की कविताओं का, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न, कहने का अर्थ है ये। और इसका सही जवाब है ए मुरक्काए जुगताई, इसी को। ठीक है, 46वां प्रश्न, प्रश्न का कहना है वर्ल्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक है, वर्ल्ड एंड लाइन पुस्तक के राइटर कौन है, SH राजा साहब, MF हुसैन, J स्वामीनाथन, या FN सुजा। तो चलिए 46 नंबर पे हैं, 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी कंप्लीट होने जा रही है आज की टॉपिक का, जो है किताबों से लिखे हुए राइटर और उनके लेखक कला के क्षेत्र में रहते हुए। तो वर्ल्ड एंड लाइन इस पुस्तक के राइटर हैं FN सुजा साहब। ठीक है, 47 प्रश्न, 47 साथियों, राम किंकर एंड हिज वर्क के लेखक हैं, राम किंकर एंड हिज वर्क, देखो इंग्लिश में लिखा है राम किंकर एंड हिज वर्क, यानी राम किंकर और उनके कार्य, हिंदी में अगर उसका वर्जन किया जाए तो राम किंकर साहब और उनके द्वारा किया गया कार्य, इसलिए पुस्तक का नाम ही है राम किंकर एंड हिज वर्क, यानी उनका वर्क, उनका कार्य के लेखक कौन है, प्रदोष दास गुप्ता, KG सुब्रमण्यम, राम किंकर बैच, या ए रामचंद्रन। तो चलिए 47 प्रश्न है आपका, आज का मैराथन कंप्लीट हो रहा है। फटाफट कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का। तो राम किंकर बैच एंड हिज वर्क के लेखक हैं KG सुब्रमण्यम। 48 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न आपका, देखिए द मैन एंड आर्टिस्ट्स पुस्तक के लेखक हैं, द मैन एंड आर्टिस्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, ए रामचंद्रन, MF हुसैन, भावेश चंद्र सान्याल, यानी जिनको आप BC सान्याल कहते हैं, या गोपाल घोष। तो सुपर मैराथन की श्रृंखला आपकी अब हो रही है कंप्लीट, अभी थोड़ी देर में फाइनल सबमिट हो जाएगी और आप अपना कमेंट्स में बताएंगे कि कितना आपने आज के इसमें सही किया। और इन सब चीज़ों को लिख लिया करिएगा, जैसे मैंने कल कहा लिख लीजिएगा, आज भी उसको लिख लीजिएगा, ये सब एक तरफ बना लीजिएगा पेज पे पूरा, और भी मिले तो आप लिख लीजिएगा, सब एक तरफ रखिएगा ताकि दोहराने में आसानी हो जब कंपटीशन में डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का जाने में। तो ठीक है, इसका सही जवाब है ए रामचंद्रन के द्वारा लिखा गया है ये बुक। 49 नंबर प्रश्न,
49 नंबर प्रश्न का कहना है, दी खोलुइट अरुसागर, ध्यान से देखिएगा, दी खोलुइट अरुसागर पुस्तक का नाम है, ये बड़ा ही अजीब नाम है, ठीक है, दी खोलुइट अरुसागर किसने लिखी है इस पुस्तक को? गोपाल घोष ने, बी सी सान्याल साहब ने, हेमंत मिश्रा ने, या निरोध मजुमदार? तो महामैराथन की आज की श्रृंखला आपकी हो रही है कंप्लीट, 50 प्रश्नों की 49वां प्रश्न आपका सामने है और प्रश्न का सही जवाब है हेमंत मिश्रा ने लिखी है इस पुस्तक को जिसका नाम है दी खोलुइट अरुसागर। और वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, महामैराथन के आज के टॉपिक का 50वां प्रश्न फाइनल सबमिट होने जा रहा है। प्रश्न का कहना है, कलाकार राम कुमार की अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? आधुनिक कलाकार राम कुमार की पुस्तकें छप चुकी हैं अब तक कितनी? 5, ठीक है, 7, 4 या 8? तो चलिए साथियों बताइए, आधुनिक कलाकार राम कुमार, उनकी कितनी पुस्तकें अभी तक छप चुकी हैं? अभी तक मतलब प्रेजेंट डे तक के गिनती में उसको लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर दीजिए फाइनल सबमिट इस प्रश्न के उत्तर का और बताइए 50 में आउट ऑफ कितना? तो इसका सही जवाब होगा डी, 8 पुस्तकें अभी तक उनकी छप चुकी हैं राम कुमार की। तो साथियों आज के लिए दीजिए इजाज़त और बताइएगा कि आज का प्रश्नों का श्रृंखला आपको कैसा लगा, पसंद आया तो नहीं, आपको पसंद आया कि नहीं, आया तो लाइक तो ज़रूर बनता है हमारा, शेयर बनता है और कमेंट्स तो आपके प्यारे प्यारे हमेशा आते रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद रहेगा आपका। और चलिए आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय से टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।